तो अभी मैं वर्सोवा के लिए शॉप विजिट कर रहा था, तो मैं अभी वर्सोवा आर नगर में जेपी रोड आर नगर वन में खड़ा हूँ। तो ये अपना वर्सोवा वन है, यहाँ से अगर राइट मारेंगे तो सीधा G7 वर्सोवा मेट्रो की तरफ चले जाएंगे और लेफ्ट मार के पूरा वर्सोवा यारी रोड वर्सोवा बीच को कवर करेंगे। तो मोमेंट यहाँ पे अपनी आराम से हो जाएगी, तो बनने का कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना यहाँ पे गाला रहेगा ये वाला बिल्डिंग, तो यहाँ से गाड़ी आएगी और यहाँ पे माल उतार देगी, तो मोमेंट में अपना कोई दिक्कत नहीं रहेगा यहाँ पे। और पार्किंग के लिए अपन यहाँ पे अपना 8-10 बाइक सामने ये गाला है और यहाँ पे 8-10 बाइक पार्किंग आराम से कर सकते हैं। आसपास बात करेंगे तो आसपास ये छोटा छोटा चौल है, बिल्डिंग है, कोई बड़ी वैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है। आसपास ये है और ये है पूरी बिल्डिंग धर्मा टाकीज प्रोडक्शन हाउस है ये पूरी। तो यहाँ से अपनी मूवमेंट रहेगी, ये अपनी पार्किंग रहेगी। अभी अपन आते हैं गाले में, तो ये अपना गेट रहेगा, ये अपना शटर रहेगा। शटर से अपने को 3.5 फीट डेप्थ नीचे जाना पड़ेगा, मतलब 1, 2, 3 स्टेयर अगर नीचे आते हैं तो 3.5 फीट यहाँ से डेप्थ है। इसके नीचे आएंगे तो अपने को ये पूरा एरिया मिलेगा। ये पूरा एरिया मिलेगा, ये अपना फ्रंट रहेगा और ये अपने को टोटल पूरा एरिया मिलेगा। तो अभी अगर बात करते हैं तो अपनी वहां से नीचे का जितना डेप्थ है वो 3.5 फीट है, ये है टोटल 1050 स्क्वायर फीट, ये पूरा एरिया है, ये पूरा 1050 फीट इसका एरिया है। अगर लेंथ ब्रेथ की बात करेंगे तो वहाँ से लेके अपना यहाँ तक 17.3 फीट इसकी ब्रेथ है और वो एंड से लेके अपना ये एंड तक तो 59.11 फीट इसकी लेंथ है। तो 1050 स्क्वायर फीट ये एरिया हो जाता है। ये हाइट की बात करेंगे तो 7.8 फीट इसकी हाइट है, लेकिन अपने को 1.5 फीट और यहाँ पे हाइट मिलेगा, मतलब ये अगर यहाँ पे अपन ये रेस करेंगे यहाँ पे तो अपने को 1.5 फीट और हाइट मिलेगा, तो टोटल हाइट हो जाएगा 9.3 फीट इसकी हाइट होगा। ग्राउंड से लेके यहाँ तक पूरा 1.5 फीट इसके ऊपर 1.5 फीट रेस करेंगे तो अपने को 9.3 फीट इसकी हाइट मिलेगी यहाँ पे। और वेंटिलेशन की अगर बात करेंगे तो वेंटिलेशन हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, यहाँ पे ये साइड में और ये साइड, दोनों साइड में अपन वेंटिलेशन कर सकते हैं। तो ये साइड और ये साइड हम वेंटिलेशन कर सकते हैं। ये अपना वॉशरूम है, इस साइड में बगल वाला बिल्डिंग से, तो यहाँ पे अपन नहीं कर सकते हैं, अपन फ्रंट में ही कर सकते हैं। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे हम वेंटिलेशन करेंगे, यहाँ पे हम एग्जॉस्ट निकालेंगे, इधर निकाल सकते हैं अपना दो एग्जॉस्ट इधर निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रोडक्शन हाउस है, अपन वहाँ से 1.5 फीट रेज और करेंगे तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनर ने बोला है निकालने के लिए यहाँ पे, या अपन इस साइड में भी रेज कर सकते हैं, वेंटिलेशन कर सकते हैं यहाँ पे एसी के ठीक नीचे यहाँ पे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हम वेंटिलेशन किधर भी कर सकते हैं और ऑलरेडी इनका 2000 लीटर का टंकी है, ऊपर भी रख सकते हैं वाटर टैंक। ये अपन ऊपर यहाँ पे ऐसे टंकी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बीएमसी वाटर है। ऑनर का ऑलरेडी 2000 का टंकी ऊपर है और नीचे 4000 का है, लेकिन अगर अपन अलग से टंकी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसमें पहले क्या चलता था, फ्राजो चलता था यहाँ पे। तो फ्राजो क्यों खाली हुआ, क्योंकि फ्राजो वाले यहाँ पे बाहर अपना हल्ला गुल्ला करते थे और गाली गलूज करते थे, इसकी वजह से इन्होंने निकाल दिया फ्राजो को। तो वैसा वाला चीज़ है। और ऑलरेडी इसमें 3 फेस लाइट है, अपने को यहाँ यहाँ पे अपन
यहाँ पे अपन 1.5 फीट और ऊपर रेज करेंगे तो यहाँ पे अपने को एग्जॉस्ट निकालने को मिल जाएगा, चाहे यहाँ पे निकाल सकते हैं चाहे वहाँ पे निकाल सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करेंगे तो ये बाथरूम से सीधे सीधे ये साइड में अपना नाला है, तो मैं वो दिखा देता हूँ। तो ये नाला है, ये चैम्बर है और इसके ठीक सामने ये बाथरूम है, तो उनका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो सीधा स्ट्रेट आके इसमें आके मिला है और यहाँ से ये सीधा निकल जाता है। तो अपन भी सेम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, बाथरूम से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। 800 क्यों नहीं बोलते?